कपड़े साफ कर देना। अरे बेटा मेरा हाथ दुख रहा है, कैसे कपड़ा साफ करूंगी? बस बैठ कर खाने आता है, पूरा कपड़ा साफ हो जाना चाहिए। अरे दादी रहने दीजिए, कपड़े मैं धुल दूंगा। अरे तुम क्यों कपड़े धुलोगे? तुम जाओ भैंस को चारा लगाओ, ये कपड़े धुल लेंगी। अरे मैडम जी कैसी इंसान हो, बूढ़ी और कपड़े धुलेंगे, शर्म नहीं आ रही है? ज्यादा जबान लड़ाओगे, अभी नौकरी से निकाल दूंगी, ठंडा हो जाओगे। चलो जाओ। मैडम जी भी ना फालतू में दादी को परेशान करती हैं, मैं चलता हूँ कपड़े धुल देता हूँ। अरे दादी आप हटिए, मैं कपड़े धुल देता हूँ, मैडम जी अभी नहीं है। चला गया। कपड़े सारे धुल गए क्या? आप जा रही, कपड़े सारे धुल गए क्या? इतनी जल्दी कपड़े धुल लिए आपने? अभी देखती हूँ तो बताती हूँ। ये क्या रामू, मैंने तुमको मना किया था एक बार ना, कपड़े साफ मत करना, ये साफ करेंगी। अरे मैडम जी सारा काम हो गया था इसलिए। मैं कुछ नहीं जानती, अभी कभी तुम नौकरी से निकलो। जो कुछ करना पड़ेगा। गमले में पानी देकर खाना बनाओ जल्दी से, भूख लगी है। अरे रामू तुम क्यों आ गए? मालकिन मैं दादी को ले जाने आया हूँ अपने घर। अरे छोड़ दादी को, ऐसे कैसे ले जाओगे दादी को? इनको ले जाओगे तो घर का सारा काम कौन करेगा? मुझे खाना बना के कौन खिलाएगा? मैं तो दादी को ले जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे कैसे ले जाओगे? अरे तो मर गया, अब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अब मैं क्या करूं? सुनने में आया यहाँ पे मर्डर हुआ है, तुमने किया है मर्डर? चलो थाने तुम। मेरी बेटी ने नहीं मारा है, मैंने मारा है। आपने? आपने क्यों मारा? ये मेरे घर चोरी कर रहा था। ठीक है दादी, खून आपने किया है तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। चलिए आप थाने। आज मेरे लिए जेल चली गई।